Good morning dear students BLJT School Chakal welcomes you in science virtual classes. Dear students, I hope you all are fit and fine at your homes. Dear students, yesterday we have started our chapter 9 fuse and today we will continue this chapter.

काउडंग के काउडंगल एंड कैरोसिन स्टार्ट हो चुके थे दीज फ्यूल्स आर यूज इवन नाउ इन सम हाउस होल्ड कुछ गाँव में तो ये आज भी यूज होते हैं इट इज गैसेज फ्यूल्स लाइक एल पी जी पी एन जी एंड बायोगैस दैट आर नाउ कॉमनली यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल्स दीज आर क्लीनर फ्यूल्स तो कुछ गाँव में तो आज भी वो यूज़ होते हैं लेकिन एल पी जी पी एन जी और बायोगैस जो ये गैसियस फ्यूल्स हैं ये आज बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में यूज़ होते हैं दीज आर क्लीनर फ्यूल्स क्वेश्चन अराइजेस कि इन्हें क्लीनर फ्यूल्स क्यों कहा जाता है वाई दीज फ्यूल्स आर कार्ड क्लीनर फ्यूल्स बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग एंड डू नॉट लीव एनी एश आफ्टर बर्निंग बच्चों क्योंकि जब हम गैसीय फ्यूल्स को बंद करते हैं तो उसके बाद कोई भी स्मोक धुआं प्रोड्यूस नहीं होता है ना तो जलते वक्त होते हैं ना ही जलने के बाद होता है सो दीज फ्यूल्स आर कॉल क्लीनर फ्यूल्स ओके नेक्स्ट इज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन जो फ्यूल है वो ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है ट्रेन्स वर आर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन्स जो पहले जो इंजन चला करते थे जो ट्रेन चला करती थी वो स्टीम इंजन से की हेल्प से चलती थी इन दीज इंजन स्टीम्स बार स्टीम बाज प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल तो इन इंजन में पहले क्या होता था कोल को कोयले को चलाकर स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी नाउ इट इज ट्रेन इंजन यूज आई द इलेक्ट्रिसिटी और डूसर और जो आजकल की जो ट्रेन हैं उनमें क्या होता है बच्चों कि जो या तो इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल से उनके जो इंजन हैं वो चलते हैं व्हीकल्स लाइक बसेस कार स्कूटर्स ट्रक्स ट्रैक्टर्स ये सभी क्या है पेट्रोल और डीजल की हेल्प से चलते हैं मैनी बसेस एंड कार्स नाउ यूज सी एन जी जैसे डेली में ये स्पेशल कहा गया है कि सी एन जी की चलने वाले व्हीकल्स ही वहाँ पर रन कर सकते हैं ऑन द रोड तो वहाँ पर सी एन जी गैस ज़्यादा यूज़ की जाती है व्हीकल्स में सी एन जी इज़ कॉल्ड अ ग्रीन फ्यूल सी एन जी को एक ग्रीन फ्यूल कहा जाता है वाई बिकॉज इट कॉज लेस एयर पोल्यूशन एंड इज मोर इको फ्रेंडली क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है और इसलिए ये मोर इको फ्रेंडली है एरोप्लेन्स यूज हाईली रिफाइंड पेट्रोल एज फ्यूल एरोप्लेन में क्या होता है हाईली रिफाइंड पेट्रोल जो होता है वो फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है तो बच्चों आज हमने यूजेस ऑफ फ्यूल्स में डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा थैंक यू सो मच बच्चों एंड टुमारो वी विल मीट अगेन विद न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर नाइन फ्यूल्स Okay, thank you. Have a nice day.